हेलो पेरेंट्स, आज हम बच्चों में बदलते मौसम में हो रही सर्दी खांसी के बारे में बात करेंगे कि सर्दी खांसी क्यों होती है और इसे घर पे कैसे बचाव किया जा सकता है और हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चों में ये सर्दी खांसी क्यों होती है। बदलते मौसम में बहुत सारे नए नए वायरसेस आते हैं जिसकी वजह से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो बच्चा कॉमनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से कफ एंड कोल्ड होता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को घर घर की आवाज़ आ रही है, सांस में हाथ रखते हुए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, तो ये सब इंडिकेट करता है कोल्ड को और जब बच्चे को वो कफिंग होती है। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो घर पे कैसे इन चीज़ों को ख्याल कर सकते हो। सबसे पहले आपको बच्चे के अगर नोज ब्लॉक है तो उसमें वो नेजल सलाइन ड्रॉप डालना है जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो आप डाल सकते हैं जिससे नाक वो ओपन हो जाएगी और बच्चे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी। सेकंड थिंग, आपको ह्यूमिडिफायर का यूज़ करना है, गर्म हवा जिससे बच्चे का नाक ब्लॉक नहीं रहेगा, उसका वो ह्यूमिडिफायर मॉइस्चराइजर जो है वो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और बच्चे की नाक ओपन रहेगी। थर्ड थिंग, अगर बच्चा एक साल से बड़ा है तो उसमें आप हनी और लेमन का मिक्सचर ल्यूकवॉर्म वाटर में या गुनगुने पानी में करके उसे पिला सकते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। फोर्थ थिंग, आप अपने बच्चे को गुनगुने पानी में बात करवाइए जिससे बच्चे का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और वो ब्लॉक सीक्रेशन से वो निकल जाएंगे। इसके बाद में आपको अपने बच्चे के लिए वैक्सीनेशन टाइम पे प्रॉपर करवाना है ताकि उसको इम्यूनिटी मिलती रहे। और हम कब डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, अगर आपका बच्चे को ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, अगर बच्चा वो सांस बहुत तेज़ ले रहा है, आपके बच्चे की नाक की ये मसल्स है वो ये मूवमेंट कर रही है, उसको नींद आने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको तुरंत अब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।